हेलो फ्रेंड, हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द रेल पथ मास्टर चैनल। फ्रेंड देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज का टॉपिक है निरक्षण शेड्यूल। दोस्तों, निरक्षण शेड्यूल और SOD, SOD ये दोनों टॉपिक से आज हम लोग टोटल 70 से अधिक क्वेश्चन पढ़ेंगे। और आप ये पूरे वीडियो देखिएगा तो आपको 4 से 5 नंबर एग्जाम में अवश्य ही आ जाएंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है निरक्षण शेड्यूल और SOD, इससे 4 से 5 क्वेश्चन हर एक LDC JEE एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मैंने अच्छे से इसमें बताया हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से याद हो जाए। दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको इस वीडियो से अवश्य ही लाभ होगा। अगर आप LDC JEE का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या कहते हैं कि सहायक मंडल इंजीनियर निरीक्षण आर्य की प्रतियों मंडल इंजीनियर को प्रत्येक डैश के अंत में प्रस्तुत करेगा। यानी क्या कह रहा है कि सहायक मंडल इंजीनियर निरीक्षण आरेख की जो प्रतियां हैं मंडल इंजीनियर को प्रत्येक डैश के अंत में प्रस्तुत करेगा। यानी जो ADN है वो DN को कितने दिन में निरीक्षण आरेख का जो लेटर है वो देंगे, ये क्वेश्चन कह रहे हैं इन्होंने। तो 1 महीने में जो है देते हैं, प्रत्येक महीने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं कि व्यसनजी रेल पथ को कम से कम कितने में एक बार सभी गैंग उपकरणों का परीक्षण करना चाहिए जहां सेक्शन की गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक हो। देखिए यहां पे सेक्शन की गति कितना है, 110 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक दिया गया है। तो सभी गैंग की उपकरणों की परीक्षण कितने दिन में करेंगे, तो वो 3 महीने में करेंगे। PWI जो है, अगर स्पीड 110 से अधिक 110 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक है तो 3 महीने में सभी गैंग के उपकरणों की जांच करेंगे। फिर कहते हैं कि PSE स्लीपर पर लगाए गए पॉइंट व क्रॉसिंग का विस्तृत निरीक्षण प्रोफार्मा के अनुसार डैश में एक बार किया जाना चाहिए। देखिए PSE स्लीपर पर लगाए गए पॉइंट क्रॉसिंग, यहाँ पर देखिए पॉइंट क्रॉसिंग कहे गए हैं, तो पॉइंट क्रॉसिंग का निरीक्षण प्रोफार्मा जो होते हैं वो होते हैं 1 साल में 1 बार। आप लोग याद रखिएगा कि जैसे कि PSE स्लीपर पर जो पॉइंट क्रॉसिंग का विस्तृत निरीक्षण प्रोफार्मा है कितना है, 1 साल में 1 बार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कहते हैं कि व्यसनजी रेलपथ और कैंजी रेलपथ द्वारा प्रत्येक 2 डिग्री से अधिक वर्साइन और सुपर एलिवेशन कर्व की जांच व्यवस्थित तरीके से डैश में एक बार रोटेशन के आधार पर की जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे रोटेशन दिया गया है और क्या कहा गया कि व्यसनजी रेलपथ और कैंजी रेलपथ द्वारा 2 डिग्री से अधिक वर्साइन और सुपर एलिवेशन कर्वों की जांच है। ये चीज़ आपको याद रखना है, प्रत्येक 2 डिग्री से अधिक और वर्साइन और सुपर एलिवेशन की जांच रोटेशन में JEE और PW कितने दिन में करेंगे, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं। तो बताइए कितने दिन में करेंगे, तो ये जो है 2 डिग्री से अधिक है तो ये 6 महीने में होंगे। इसका 6 महीना इसका उत्तर सही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री से अधिक है। गैंग मास्टर और गैंग चार्ट या डायरी डैश के कब्जे में होना चाहिए। तो ये जो है मेट के कब्जे में कभी भी ये रहते हैं, गैंग मास्टर और गैंग चार्ट और डायरी, ये 3 चीज़ इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसके मेट, इसमें एक चीज़ और रहता है कि इंस्ट्रक्शन बुक होते हैं वो भी मेट के ही हाथ में रहते हैं। गैंग मास्टर, गैंग चार्ट, डायरी, इंस्ट्रक्शन बुक, वो सब जो है मेट के हाथ में रहते हैं। फिर कहते हैं कि मास्टर में ट्रैकमैन की उपस्थिति सामान्यतः डैश द्वारा लगाई जानी चाहिए। मास्टर में ट्रैकमैन की उपस्थिति, तो ट्रैकमैन की उपस्थिति कौन लगाते हैं, मेट लगाते हैं। क्वेश्चन देखिए कहते हैं कि मेट अपने कार्यस्थल से डैश की दूरी से यदि आने वाली गाड़ी को नहीं देख सकता है तो उसे एक ट्रैकमैन को फ्लैगमैन के रूप में वहां भेजना होगा। मेट अपने कार्यस्थल से कितने, यानी 600 मीटर होता है, अगर मेट का बात कहा जाए तो 600 मीटर होते हैं। 600 मीटर की दूरी से आने वाले गाड़ी को अगर नहीं देख सकता है, अगर समझिए मेट काम पे है, कार्यस्थल पर है, मेट कार्यस्थल पर है और 600 मीटर से अधिक दूरी पे गाड़ी को नहीं देख सकते हैं, तो उसे ट्रैक मैन को एक झंडा लेकर के भेजना पड़ेगा। कितना मीटर दूरी पर, तो 600 मीटर दूरी पर। अब देखिए यहाँ पे जब ऐसे बात आते हैं, अगर ट्रॉली लॉरी ऐसे चीज़ रहते हैं अगर अच्छे से क्लियर से नहीं दिखते हैं तो वो 1200 मीटर पे जो है फ्लैगमैन को भेजते हैं।
कोई एक ट्रैक मैन को 1200 मीटर की, किसमें ट्रॉली और लॉरी अगर साफ दृश्यता ना रहो, कुहासा रहे या दृश्यता साफ ना रहते, 1200 मीटर पे उनको भेजते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अगर काम मेट कर रहे हैं, अगर दृश्यता सही नहीं है, 600 मीटर तक देखिए कि 600 मीटर की दूरी से आने वाले गाड़ी को नहीं देख पाते हैं, तो उसको एक फ्लैगमैन को भेजना जरूरी है, तो इसलिए ए नंबर इसका उत्तर सही है। फिर कहते हैं मेट की कीमेन की ड्यूटी करते हुए पूरी गैंग की लंबाई का निरीक्षण डैश में करना होगा, तो जैसे सभी जानते हैं कि सप्ताह में एक बार जो है मेट कीमेन की ड्यूटी करते हैं, और जानते हैं कि कीमेन अगले कीमेन जो है क्या क्या काम किए नहीं किए, पूरा सेक्शन की स्थिति भी जानते हैं कि किस प्रकार के सेक्शन में कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इसके वास्ते मेट को कीमेन की ड्यूटी पूरी गैंग की लंबाई निरीक्षण सप्ताह में एक बार करनी होती है। फिर कहता है कि कीमेन डैश एक बार एसएजी में तेल और ग्रीसिंग लगाएगा, तो कीमेन देखिए कितने दिन में एक बार, तो ये पक्ष में एक बार, कीमेन पक्ष में एक बार एसएजी में तेल और ग्रीसिंग करेगा, यानी पक्ष मतलब 15 दिन होता है, तो कीमेन 15 दिन में एक बार एसएजी में तेल और ग्रीसिंग करेगा। क्वेश्चन पढ़ेंगे ये दोस्तों, अगर आपकी एग्जाम है तो ये टॉपिक आप अवश्य देख ही जाना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए। फिर कहते हैं कर्व वाले कटिंग में, कर्व वाले कटिंग में डैश अंतराल पर टेली रिफ्यूजी की व्यवस्था की जाती है। देखिए यहाँ पे कर्व वाले कटिंग कहे गए हैं, तो कर्व वाले कटिंग में 100 मीटर होते हैं। यहीं पे अगर देखिए उच्च बैंक का अगर बात करें, तो उच्च बैंक में जो है 200 मीटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कर्व वाले कटिंग में कहे हैं, तो यहाँ पे 100 मीटर ही होगा। फिर कहता है कि समयपवर्ती रेल पथ केंद्र से कोपिंग मालगाड़ी माल या यात्री प्लेटफॉर्म की न्यूनतम क्षतिज दूरी क्या है, अच्छे से देखिए समझिए। समीपवर्ती रेल पथ केंद्र से कोपिंग, यहाँ पे देखिए कोपिंग मतलब माल या यात्री प्लेटफॉर्म की न्यूनतम क्षतिज दूरी कितना होना चाहिए, तो बताइए ये कितना होती है। तो ये देखिए न्यूनतम पूछे गए हैं तो 1670 mm होते हैं, यहाँ पर ये चीज़ याद रखिएगा कि न्यूनतम क्षतिज दूरी पूछे गए हैं, यहाँ पर न्यूनतम क्षतिज दूरी, इसलिए कितना हो जाएगा 1670 इसका हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कहते हैं कि सुरंगों में ट्रॉली रिफ्यूजी के बीच में अधिकतम दूरी कितना होता है, सुरंगों में ट्रॉली रिफ्यूजी के बीच में अधिकतम दूरी पूछ रहा है, तो देखिए ये सुरंगों की बात कहे गए हैं, तो ये जो है 100 मीटर होते हैं, सभी में मैक्सिमम उत्तर आपको 100 मीटर ही मारना है, अधिकतम उच्च बैंक जहाँ पे रहेगा, सिर्फ उच्च बैंक में 200 मीटर होते हैं और सभी जगह 100 मीटर ही होते हैं। फिर कहते हैं कि एसी कर्षण क्षेत्रों में पटरी के स्तर से ऊपर पैदल पुल के नीचे तक का न्यूनतम लंबाई क्या होगा, देखिए एसी कर्षण क्षेत्र यहाँ बोल रहे हैं, मैं पटरी के स्तर से ऊपरी पैदल पुल के नीचे के न्यूनतम ऊंचाई क्या होगा, तो बताइए कि इसका क्या होगा, ये 5870 जो है इसका सही होगा, क्योंकि यहाँ पर एसी कर्षण पूछा गया है, एसी कर्षण कितना होता है, ये होता है 5870 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि वर्तमान कार्यों के लिए मिड सेक्शन में बड़ी लाइन रेल पथ के लिए न्यूनतम सेंटर टू सेंटर दूरी कितना होते हैं, यहाँ पे देखिए सेंटर टू सेंटर पूछे गए हैं, तो सभी को मालूम है कि सेंटर से सेंटर जो होते हैं 4265 mm होते हैं, और ये किस काम के लिए, तो वर्तमान कार्यों के लिए, यही अगर पूछे नए कार्यों के लिए पूछे तब इसका मान होता है 5300 mm होता है, लेकिन वर्तमान कार्य मिड सेक्शन में सेंटर टू सेंटर दूरी पूछे गए हैं, न्यूनतम सेंटर टू सेंटर दूरी, तो 4265 mm इसका उत्तर सही हो जाएंगे, नए कार्यों में 5300 होंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं, नए कार्यों के लिए मिड सेक्शन में बड़ी लाइन रेलपथ पर न्यूनतम सेंटर टू सेंटर दूरी कितना होगा, देखिए यहाँ पे नए कार्य और मिड सेक्शन है, अगर वर्तमान कार्य रहता है तब कितना होता है, तब 4265 होते हैं, लेकिन यहाँ पे नए कार्य है तो नए कार्य के लिए कितना हो जाएंगे, अगर नए कार्य रहे तो 5300 इसका उत्तर सही हो जाएंगे, 5300, अगर वर्तमान रहे तो क्या हो जाएगा, वर्तमान में 42 हो जाएगा, याद रखिएगा 4265 mm। फिर देखते हैं कि शेड्यूल वन के आयामों से किसी भी प्रकार के विचलन के लिए डैश के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, तो ये जो है इसका मान होता है RB, सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहते हैं सुरंगों में थ्रू और सेमी थ्रू गार्डल पुलों में नए कार्यों के लिए बड़ी लाइन रेलपथ पर न्यूनतम सेंटर टू सेंटर दूरी डैश में होंगे, अब यहाँ पे देखिए ये थोड़ा सा अलग है, तो इसका उत्तर तो 4725 होता है, लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे, तो ये भी चीज़ समझना पड़ेगा ना कि सुरंगों में थ्रू और सेमी थ्रू गार्डर पुल में नए कार्यों, देखिए नए कार्यों के लिए अगर वर्तमान कार्य के भी पूछते हैं कभी कभी,
तो बड़ी लाइन में रेल पथ पे न्यूनतम सेंटर टू सेंटर दूरी तो इतना कितना है 4700, सुरंगों में 4725 ये सुरंग है यहाँ पे, और यहाँ पे सेंटर टू सेंटर दूरी है तो 4725 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि विशेष संरक्षा साधनों को अपनाने और या विशेष नियमों को लागू करने तक बड़ी लाइन स्टेशन यार्ड में अधिकतम ढाल, देखिए अधिकतम ढाल कितना होगा 400 में एक होता है। विशेष संरक्षा साधनों को अपनाने और विशेष नियमों को लागू करने तथा बड़ी लाइन पर स्टेशन यार्ड, यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे ध्यान देना है, स्टेशन यार्ड देना है 400 में एक। अगर मिड सेक्शन का बात करें तो ये 1200 में एक होता है, ये वाला मिड सेक्शन के लिए होता है, ये मिड सेक्शन के लिए होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या कहे गए हैं, स्टेशन यार्ड कहे गए हैं, तो स्टेशन यार्ड में 400 में एक होता है, मिड सेक्शन में 1200 में एक होते हैं। देखिए तो बड़ी लाइन में कर्व की न्यूनतम त्रिज्या कितनी होती है, बड़ी लाइन में कर्व की न्यूनतम त्रिज्या 175 होती है, यह याद रखिएगा। फिर कहते हैं यहाँ पे कि बड़ी लाइन में चक्रेल सामान्यतः वहाँ उपलब्ध किए जाते हैं जहाँ पे त्रिज्या कितना मीटर होना चाहिए, बड़ी लाइन में चक्रेल अगर त्रिज्या कितना हो जो वहाँ पे चक्रेल लगाया जाएगा, क्वेश्चन ये बोल रहे हैं, तो देखिए कि 218 अगर त्रिज्या अगर 218 है तो वहाँ पे चक्रेल लगाए जाते हैं, बड़ी लाइन में चक्रेल सामान्यतः वहाँ उपलब्ध किए जाते हैं जहाँ पे त्रिज्या 218 मीटर होते हैं, तो 218 मीटर इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए कहते हैं वर्तमान कार्यों में बड़ी लाइन पर भवनों और अवसंरचनाओं के लिए रेल पथ से सेंटर से पटरी की स्तर से ऊपर 305 mm तक की किसी भी संरचना के लिए न्यूनतम क्षैतिज दूरी कितना mm होते हैं, तो ये जो है 1675 इसका सही उत्तर होते हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ समझना, वर्तमान है और फिर नए क्या भी होते हैं, अगर वर्तमान पूछे तो 1675 किसका, भवन और अवसंरचना का, अगर यही चीज़ पूछे नए कार्यों के लिए सेम क्वेश्चन रहेगा तो नए, देखिए 1675 हो गया वर्तमान कार्यों के लिए, अगर नए कार्यों के लिए बोले तो 1905 होते हैं, यहाँ पे गलत किया गया है, ये 1905 होते हैं यहाँ पे 1905, क्योंकि ये नए कार्यों के लिए क्वेश्चन, देखिए थोड़ा सा सेम ही है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, ज़रा सा आपको लगेगा कि थोड़ा लंबा कर दिया क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे कहता है कि नए कार्य वर्तमान कार्यों में परिवर्तन के लिए बड़ी लाइन पे भवन अवसंरचनाओं के लिए रेल पथ सेंटर से पटरी स्तर से 305 mm तक की किसी भी संरचना के लिए न्यूनतम क्षैतिज दूरी कितना होगी, तो ये 1905 होगा। देखिए यहाँ पर भी देखिए वर्तमान कार्यों में बड़ी लाइन पर भवन अवसंरचनाओं के लिए रेल पथ के 305 mm से किसी भी संरचना न्यूनतम दूरी कितना होगा, तो 1675 और 1905 जो होता है वो भवन संरचना में होता है। अगर नए कार्य बोले तो अभी नए जितने भी होते हैं थोड़ा बढ़ के होते हैं, कम जो होते हैं थोड़ा कम ही होते हैं, वर्तमान जो होता है पहले के, जैसे कि पहले का जो भी काम होगा वो थोड़ा कम में होगा और नए वाला जो होगा थोड़ा अधिक में होगा। बड़ी लाइन में वर्तमान कार्यों के लिए रेल पथ के सेंटर से किसी भी टेलीग्राफ खंभे के बीच मापी गई न्यूनतम क्षैतिज दूरी खंभे की ऊंचाई को छोड़कर समीपवर्ती रेल पथ के समकोण पर 10 mm होगी, तो बताइए ये जो उत्तर होगा 2135 mm इसका सही उत्तर होते हैं। लेकिन ये यहाँ पे क्या याद रखना है, यहाँ देखिए यहाँ वर्तमान कार्य दिया गया है और क्या टेलीग्राफ खंभे दिया गया है, ये चीज़ याद रखिए, पूरे क्वेश्चन अगर याद नहीं होते तो टेलीग्राफ खंभे देखिए वर्तमान टेलीग्राफ खंभे जो होता है 2135 होते हैं, यहाँ पे ये याद रखिएगा। अगर यही नए का पूछे, अगर नए का पूछे तो तब कितना होता है, तब 2360 होता है, तब कितना होगा, तब 2360 होता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है नए का, तो नए का 2135 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बड़ी लाइन में नए कार्यों के लिए रेल पथ के सेंटर से किसी भी टेलीग्राफ खंभे के बीच मापी गई न्यूनतम क्षैतिज दूरी खंभे की ऊंचाई को छोड़कर समीपवर्ती रेल पथ के समकोण पर 10 mm होगी, तो ये देखिए समकोण पे पूछे गए तो 2360 होते हैं, और यही अगर पूछे यहाँ पे नए कार्य दिए गए हैं, अगर यही सेम क्वेश्चन में यहाँ पे वर्तमान कार्य दिए रहे तब इसका उत्तर कितना होगा, तब 2135 होता है ये वाला, अगर ये होता है वर्तमान के लिए होता है, ये वर्तमान के लिए होता है, ये नए के लिए होता है, याद देखिए 2360 जो है टेलीग्राफ खंभे की बात अगर किया जाए, अगर नए के लिए बोले तो 2360, अगर वर्तमान के लिए कहे तो 2135 होता है, 2360 2135, यानी कम रहेगा तो समझ लीजिएगा कि ये वर्तमान होगा और अधिक रहे तो समझ लीजिए नए वाले होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी लाइन पर ओवरहेड संरचनाओं के लिए
रेल पथ के सेंटर के दोनों ओर 915 mm की दूरी तक की पटरी स्तर से ऊपर न्यूनतम ऊंचाई 10 mm होगी। तो देखिए यहाँ पे जो इसका यहाँ पे क्या क्या है कि बड़ी लाइन पर ओवरहेड संरचना, यहाँ पे इसमें कौन सा बात, जैसे इसमें टेलीग्राफ पे ध्यान देना था, इसमें ओवरहेड संरचना पे ध्यान देंगे। अगर ओवरहेड संरचना रहेंगे तब इसका कितना उत्तर हो जाएगा, तब ये 4875 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि बड़ी लाइन पर रेल पथ के मध्य से यात्री प्लेटफार्म कूपिंग के अगर भाग तक अधिकतम और न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्रमशः 10 mm से 10 mm होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या कहे गए हैं कि बड़ी लाइन में रेल पथ के मध्य यात्री प्लेटफार्म कूपिंग की अगर भाग की अधिकतम और न्यूनतम पूछा गया है। प्लेटफार्म कूपिंग का अधिकतम और न्यूनतम पूछे गए हैं यात्री प्लेटफार्म का। यहाँ से देखिएगा यात्री प्लेटफार्म कूपिंग जो है, यहाँ से ध्यान दीजिएगा यात्री प्लेटफार्म कूपिंग, ये चीज़ यात्री प्लेटफार्म कूपिंग जो होते हैं ये कितना होते हैं बताइए, ये होता है आपका 1680 और 1670, ये वाला बी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएगा। ये जो है 1680 और 1670 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। ये हो गया अधिकतम के लिए 1680 और 1670 जो ये न्यूनतम के लिए, किसके लिए, यात्री प्लेटफार्म कूपिंग का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि बड़ी लाइन पर रेल पथ के मध्य से किसी भी प्लेटफार्म दीवार के अग्रभाग तक अधिकतम और न्यूनतम क्षैतिज दूरी 10 mm और 10 mm होते हैं। तो देखिए ये जो होते हैं 1905 और 1675 इसका सही उत्तर होते हैं, क्योंकि यहाँ प्लेटफार्म दीवार पूछे गए हैं, ये वाला प्लेटफार्म दीवार, तो इसका कितना कितना होते हैं, ये वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। देखिए सी यहाँ ऊपर में दिया गया है ना, ये वाला उत्तर सही हो जाएगा 1905 और 1675, ये वाला इसका सही, ऊपर में ऑप्शन है, ऊपर का ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ, यही इसका उत्तर सही हो जाएगा 1905 और 1675। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि बड़ी लाइन पर रेल पथ के मध्य से किसी भी प्लेटफार्म दीवार के अग्रभाग तक की अधिकतम और न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्रमशः 10 mm और 10 mm होती है। तब बताइए ये 1905 और 1675 जो है इसका सही उत्तर हो जाएंगे, ये वाला सी नंबर। यहाँ क्या प्लेटफार्म दीवार यहाँ पे बोले गए हैं, ये वाला देखिए, बड़ी लाइन रेल पथ के मध्य से किसी भी प्लेटफार्म दीवार, अगर प्लेटफार्म दीवार पूछे और अधिकतम न्यूनतम पूछे तो 1905 और 1675 इसका सही उत्तर होते हैं। फिर कहते हैं कि बड़ी लाइन पर रेल पथ के मध्य से गुड्स प्लेटफार्म कूपिंग के अगर भाग तक की अधिकतम और न्यूनतम क्षैतिज दूरी क्रमशः 10 और 10 mm होते हैं। तो यहाँ पे देखिए सी नंबर, ये ऑप्शन इसमें 1905 और 1675 इसका भी सही उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या पूछेगा मध और गुड्स प्लेटफार्म कूपिंग, तो 1905 और 1675 ये इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि बड़ी लाइन उच्च स्तर यात्री प्लेटफार्म के लिए पटरी स्तर से ऊपर अधिकतम और न्यूनतम ऊंचाई 10 से 10 mm होती है, 10 mm 10 mm होती है, तो बताइए ये कितना होते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन समझने वाली बात है कि बड़ी लाइन उच्च स्तर यात्री प्लेटफार्म के लिए पटरी स्तर से, ये चीज़ इसमें क्या चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये उच्च स्तर यात्री प्लेटफार्म, तो ये 840 और 760 होते हैं, 840 जो होते हैं ये अधिकतम होते हैं और न्यूनतम जो होते हैं 760 होते हैं, उच्च स्तर यात्री प्लेटफार्म, ये चीज़ पे ध्यान देना होगा आपको। फिर कहता है कि बड़ी लाइन गुड्स प्लेटफार्म के लिए पटरी स्तर से ऊपर अधिकतम ऊंचाई 10 mm होते हैं। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, बड़ी लाइन और गुड्स प्लेटफार्म दिया गया है, ये गुड्स प्लेटफार्म और पटरी स्तर से ऊपर की ऊंचाई, तो बताइए कि गुड्स प्लेटफार्म के पटरी स्तर से ऊपर की ऊंचाई कितना होगी, तो ये होगा 1500 mm होते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे बड़ी लाइन और गुड्स प्लेटफार्म का कितना होता है, 1500 होता है पटरी स्तर से अधिकतम ऊंचाई। फिर देखिए ये कहते हैं कि बड़ी लाइन यात्री प्लेटफार्म पर रेल पथ के मध्य लाइन से प्लेटफार्म स्तर से 305 mm और प्लेटफार्म स्तर से ऊपर तक की किसी भी भवन संरचना की न्यूनतम क्षैतिज दूरी डैश है। तो ये सी नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे कि 5180 mm धीरे धीरे समान रूप से 5330 mm तक बढ़ रहा है। यहाँ पे ये चीज़ है ना, बढ़ रहा है, घट रहा है बल्कि भी कभी कभी उत्तर होता है
लेकिन आपको ध्यान देना कि बढ़ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेल पथ की मध्य लाइन से किसी भी स्तंभ, खंभा, लैंप या यात्री प्लेटफार्म पर पृथक किसी भी संरचना या बड़ी लाइन गुड्स प्लेटफार्म पर किसी भी भवन से प्लेटफार्म स्तर से 305 mm और प्लेटफार्म स्तर से ऊपर तक की न्यूनतम क्षैतिज दूरी 10 mm है। तो यहाँ पे देखिए 4570 mm समान रूप से और 4420 mm तक बढ़ रहा है। बढ़ रहा है ही उत्तर होता है, घट रहा है नहीं। देखिए यहाँ पे उत्तर याद रखिएगा। रेल पथ के मध्य लाइन से किसी स्तंभ, खंभा, लैंप या यात्री प्लेटफार्म पर पृथक किसी भी संरचना या बड़ी लाइन गुड्स प्लेटफार्म पर किसी भी भवन प्लेटफार्म पर 305 mm स्तर प्लेटफार्म स्तर से ऊपर की न्यूनतम क्षैतिज दूरी 10 mm है। तो 4570 mm समान रूप से 4420 mm तक बढ़ रहा है। इसका सही ए नंबर इसका उत्तर सही हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बड़ी लाइन योजना में किसी भी स्तंभ या खंभा 10 cm² से अधिक हो तो उसको भवन के रूप में वर्गीकृत किया जाए न कि पृथक संरचना के रूप में। तो देखिए यहाँ पे कहता है कि बड़ी लाइन योजना में किसी भी स्तंभ या खंभा को 10 cm² से अधिक हो तो उसे भवन के रूप में वर्गीकृत किया जाए न कि पृथक संरचना के रूप में। तो इसका जो देखिए उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा 3716 सी नंबर। कैसे देखिए यहाँ पे कहते हैं कि बड़ी लाइन योजना में स्तंभ या खंभा 10 cm से अधिक होने पर भवन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है पृथक संरचना। इसमें कौन सी बातों पर ध्यान देना है? पृथक संरचना पर, ये चीज़ पे। फिर कहते हैं कि बड़ी लाइन पर बिना गिट्टी वाले पुल के ऊपर बिछाए गए क्रमिक स्लीपर के बीच स्पष्ट दूरी 10 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये जो है 510 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए बिना गिट्टी वाले पुल, इस पे बिना गिट्टी वाले पुल है, बिछाए गए क्रमिक स्लीपर के बीच स्पष्ट दूरी कितना होना चाहिए? स्पष्ट दूरी क्रमिक स्लीपरों के बीच, यानी दो स्लीपर की सब्जी, एक स्लीपर यहाँ है और एक स्लीपर यहाँ है, तो इसके बीच की जो दूरी होना चाहिए 510 होना चाहिए, ये बोल रहा है। कहाँ पे? बिना गिट्टी वाले पुल। बिना गिट्टी वाले पुल ये देखे होंगे क्या ब्रिज के ऊपर, तो वहाँ पे गिट्टी होते ही नहीं है। तो दो स्लीपर के बीच कितना दूरी होना चाहिए? तो 510 mm होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि बिना गिट्टी वाले पुल यानी कि ओवर ब्रिज जो होते हैं, नीचे से पानी आते हैं, ऊपर से रेलवे का गार्डर वीडर लगा के, रेलवे लगा के जो बनाते हैं, वहाँ पे गिट्टी नहीं होते, तो दो स्लीपर के बीच कितना दूरी होना चाहिए, डिस्टेंस होना चाहिए, गैप होना चाहिए, तो 510 mm की गैप होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि बड़ी लाइन पर यात्री प्लेटफार्म के रेल पथ की मध्य रेखा से किसी भी भवन या रेखांश सीमा बाढ़ की न्यूनतम क्षैतिज दूरी 10 है, जो कि नए कार्यों या वर्तमान कार्यों में परिवर्तन के लिए आइलैंड प्लेटफार्म नहीं है। यहाँ पे देखिए आइलैंड प्लेटफार्म नहीं है बोले गए हैं। और क्वेश्चन क्या कहें, बड़ी लाइन पर यात्री प्लेटफार्म के लिए रेल पथ के मध्य रेखा से किसी भी भवन या रेखांश सीमा बाढ़ की न्यूनतम क्षैतिज दूरी 10 है, जो नए कार्यों के वर्तमान कार्यों में परिवर्तन के लिए आइलैंड प्लेटफार्म नहीं है। तो ये कितना इसका उत्तर हो जाएंगे बताइए? ये 3830 इसका सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ी लाइन पर यात्री प्लेटफार्म के रेल पथ की मध्य रेखा से किसी भी भवन या रेखांश सीमा बाढ़ के बीच सिफारिश क्षैतिज दूरी 10 है, जो कि नए कार्यों या वर्तमान कार्यों में परिवर्तन के लिए आइलैंड प्लेटफार्म नहीं है। यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर यात्री प्लेटफार्म रेलपथ के मध्य रेखा के भवन था। यहाँ पे देखिए यहाँ पे किसी भी भवन या किसी भी भवन, दोनों में बताइए इसमें अंतर क्या है? आप लोग यहाँ पे बताइए कि दोनों में अंतर क्या है। आप लोग को लगता होगा कि सभी क्वेश्चन सेम है, लेकिन इसका अंतर क्या है? इसमें अंतर देखिए क्या है, पकड़िए कि इसमें अंतर क्या है। इसमें देखिए सिफारिश क्षैतिज दूरी है, तो सिफारिश क्षैतिज दूरी कितना होता है? 12130 होता है, 12130। अगर सिफारिश क्षैतिज दूरी रहे तो कितना हो जाएगा? 12130, यानी नए कार्य की समझ लीजिए, ये पुराने कार्यों के लिए हो गया 6830 और ये नए कार्यों के लिए हो गया 12130 सिफारिश क्षैतिज दूरी।
कहते हैं कि बड़ी लाइन पर रेल पथ की मध्य लाइन से स्तंभ खंबा स्तंभ लैंप या प्लेटफार्म स्तर से 305 mm और प्लेटफार्म स्तर से ऊपर गुड्स प्लेटफार्म पर किसी पृथक संरचना तक की न्यूनतम क्षैतिज दूरी है। बड़ी लाइन पर रेल पथ के मध्य लाइन खंबा स्तंभ लैंप या प्लेटफार्म स्तर से 305 mm और क्षैतिज और प्लेटफार्म स्तर से ऊपर गुड्स प्लेटफार्म पर किसी पृथक संरचना तक की ऊंचाई न्यूनतम ऊंचाई क्षैतिज दूरी है। तो बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएंगे। ये देखिए बी नंबर इसका उत्तर सही जाएगा, 3960 mm समान रूप से 4410 mm तक बढ़ रहा है। फिर कहता है कि रेल संरक्षा आयोग की सिफारिश के बिना डैश क्रॉसिंग न्यूनतम कोण को बढ़ाया बिछाया जा सकता है। रेल संरक्षा आयुक्त की सिफारिश के बिना डैश क्रॉसिंग न्यूनतम कोण को बिछाया जा सकता है। तो ये 1616 में एक ये सही उत्तर होता है, रेल संरक्षा आयोग की सिफारिश होना चाहिए, सीआरएस की अगर सिफारिश हो जाए तो क्रॉसिंग कौन जो है क्रॉसिंग 16 में एक होगा। क्रॉसिंग कौन कितना होगा 16 में एक, किसके रेल संरक्षा सीआरएस, ये 16 में एक इसका सही उत्तर हो जाएंगे। फिर कहता कि डायमंड क्रॉसिंग को डैश से ज़्यादा सपाट नहीं किया जा सकता है। तो ये 8.5 में 1 जो है इससे अधिक सपाट डायमंड क्रॉसिंग को नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ याद आपको रखना है। और क्रॉसिंग की न्यूनतम कोण कितना होना चाहिए, ये 16 में 1 होना चाहिए। डायमंड क्रॉसिंग कितना होना चाहिए, 8.5 में 1 होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि सभी व्हील फ्लेंजों के लिए अधिकतम व्हील गेज, सभी व्हील फ्लेंजों के लिए अधिकतम व्हील गेज कितना होते हैं। तो व्हील गेज जो होते हैं 1602 होते हैं, ये डी नंबर उत्तर इसका सही हो जाएंगे। व्हील गेज कितना होते हैं 1600, अधिकतम व्हील गेज यहाँ पे पूछा गया है 1602 होते हैं। अगर यही न्यूनतम व्हील गेज पूछा जाए तब कितना होता, तो ये 1599 होते हैं। सभी व्हील फ्लेंजों के लिए न्यूनतम व्हील गेज कितना होते हैं, ये 1599। 1602 जो होता है अधिकतम व्हील गेज होता है, 1599 जो होता है कम व्हील गेज होते हैं। टायर के फ्लेंजों को की अधिकतम मोटाई डैश जिसे फ्लेंजों के बाहरी किनारों से 13 mm पर व्हील गेज फेस से मापा जाता है। तो देखिए ये 2904 mm जो है इसका सही उत्तर हो जाएंगे। टायर के फ्लेंज की अधिकतम मोटाई डैश जिसे फ्लेंज की बाहरी किनारे से 13 mm पर व्हील गेज फेस से मापा जाता है। तो टायर के फ्लेंज की अधिकतम मोटाई कितना होता है 2904 mm, जैसे बाहरी फ्लेंज किनारे से 13 mm पर व्हील गेज के फेस से मापा जाता है। तो 29.4 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, 29.4। टायर के फ्लेंज की न्यूनतम मोटाई कितना होते हैं, वो होते हैं 16 mm। तो टायर के फ्लेंज की न्यूनतम मोटाई 16 mm जिसे फ्लेंज की बाहरी किनारे से 13 mm व्हील गेज फेस से मापा जाता है, तो इसका 16 mm इसका सही उत्तर हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या कहता है कि टायर फ्लेंज की अधिकतम मोटाई अगर कहे तो 29.4 होते हैं और न्यूनतम मोटाई बोले तो इसमें कितना होते हैं, ये 16 mm होते हैं। तो ये 16 और 29.4 ये दोनों चीज़ याद रखना पड़ेगा, टायर फ्लेंज की अधिकतम और न्यूनतम मोटाई। 11 kV से अधिक और 33 kV तक की ओवरहेड क्रॉसिंग के लिए उच्चतम कर्षण कंडक्ट और निम्नतम ट्रांसमिशन लाइन क्रॉसिंग कंडक्ट के बीच में न्यूनतम क्लियरेंस कितना होगा। देखिए 11 से अधिक और 33 kV तक बोल रहे हैं, तो इसका जो उत्तर होते हैं वो 2440 mm इसका सही उत्तर होते हैं, 2440 इसका सही हो जाएंगे।